इस एंग्री फेस को देखो जरा, आज इसको मैंने डांट दिया। दरवाजे में इतनी बढ़िया जगह आ रखे, मेरे भी गुस्सा हो रहा है। शहंशाह वाली फीलिंग आ रही है यार, वाह मजा आ रहा है। जय माता दी। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल शाम को हम लोग वापस आ गए थे नोएडा से, लेकिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग शूट करने का। बिल्कुल ऐसे रिलैक्स मोड में आने का मन था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। वहां से आने के बाद सफाई अभियान शुरू किया घर का। इतने टाइम से घर बनता, सारी चीजें बिखरी हुई थी, सब कुछ साफ सफाई की मैंने। आज सुबह जल्दी उठी हूँ, नहा धो के रेडी हूँ, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। आज है धनतेरस। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। पता नहीं है मैं ब्लॉग कब आउट करूँगी, लेकिन हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। सो मैं रेडी हो रखी हूँ। आज मैंने ये ब्लू कलर का चिकनकारी कुर्ता पहना है। लास्ट ईयर जब मुक्की लखनऊ गया था ना, तो वहाँ से लेके आया था मेरे लिए। एंड आई लव चिकनकारी, मुझे बड़े ग्रेसफुल लगते हैं चिकनकारी कुर्ते। सो मैं अच्छा सा कलेक्शन भी एक ऐड कर रही हूँ अपना चिकनकारी का, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। रेडी इसलिए हो रखी हूँ क्योंकि हर साल की तरह ना हम लोग जाने वाले हैं आज हरिद्वार माता के दर्शन के लिए। लास्ट ईयर मम्मी पापा थे, दीदी लोग थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन इस बार हम दोनों अकेले हैं, मुक्की और मैं जाने वाले हैं आज। एंड आज धनतेरस है, तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है घर के लिए। तो बस आज के इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। आज आप सही लग रहे, बढ़िया लग रहे, मैच कर रहे थे ना, आज मेरी ड्रेस देख के पहनी होगी ना तूने। अच्छा। लोग इतने ऑब्सेस्ड है मेरे साथ ट्यूनिंग करने के लिए। ओ प्लीज। इतना देखो मुझे तो नहीं है इतना फैशन का, तुम्हें है, तुमने करी ट्यूनिंग, बात खत्म। मैंने कोई ट्यूनिंग नहीं की है, जस्ट इत्तफाक है। सभी हम लोग निकल चुके हैं और सीधा चल के आप लोगों से वहीं मिलते हैं, है ना, हरिद्वार में। अभी से ही सांस फूलने लग गई मेरी, अभी जस्ट हमने चढ़ाई शुरू की है। क्या लगता है हम कितने घंटे में पहुंचेंगे? तुम्हारी करंट कंडीशन देख के मुझे लगता है आधा घंटा तो मिनिमम लगेगा। मुक्की ने मुझे ऑफर दिया कि ट्रॉली से चलते हैं, लेकिन मैंने कहा मुझे वैसे ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार और जगह तो मैं ऐसे चढ़ नहीं पाती हूँ। मेरे प्रॉब्लम का एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी हमने कम से कम 25 कदम भी नहीं चले होंगे, 50 कदम। सांसों की आवाज आ रही है। मैंने कहा यार जहाँ चढ़ नहीं पाती हूँ वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ मैं हमेशा पैदल ही गई हूँ, तो मैंने कहा चलो पैदल ही चलते हैं। आते वक्त देख लेंगे कि ट्रॉली से आना है कि नहीं, अभी फिलहाल पैदल ही चलते हैं। पानी की बोतल रखी है इसमें? हाँ है। लास्ट टाइम भैरोगढ़ी गए थे तो मेरा भाई और मुक्की ने मुझे ऐसे उठा के लेके गए थे कंधे में, लिटरली मतलब इन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। तो सेवा भी कर लेते 10-5 उसी से। सेवा तो गुरु जी, सेवा ही चलना आज की जिंदगी में, चल रहा हूँ किसी के लिए। किसके लिए मुक्की? अपनी बीवी के लिए। मेरे लिए चल रहा? मैं मतलब आई हूँ तो इसलिए मुक्की आया है। मैंने पाँव से चप्पलें उतारी है तो मुक्की ने भी उतारी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसे कर रही हूँ। ये देख रास्ता टूट रखा है। वो उधर से चढ़ाई शुरू की थी, ये रास्ता ऐसे 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 ये, और जाना इधर, इधर से भी मंदिर दिख भी नहीं रहा है। इस बार का चैलेंज डॉली जी के लिए। क्या डॉली जी आप तैयार हैं? सीधे सीधे यार कुछ नया करो। बचपन में हम इनसे आते थे पता है। तो आज क्या हो गया? आज तो तुम्हारी टांगे ही बड़ी हो गई। चलो चलो, मैं तुम्हें पीछे धक्का दे रखा है। जय माता दी। जय माता दी। नदी का रास्ता हो भी सकता है। ये देखो आखिरकार डॉली राम पहुंची गया अपनी मंजिल पे। फाइनली हम लोग पहुंच गए। हाँ छुड़वाया? नहीं छुड़वाया। मेरे से बहस मत किया करो यार। क्या एग्जांपल सेट करेंगे तो बच्चों के लिए? यहाँ देख रही हूँ, देखने दो, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं देखने वाले। बोलेंगे इतना सुंदर राजकुमार जैसा लग रहा है, लड़की इसको हाथ छुड़ा रही है। क्या बोला तूने? B
बीच रास्ते में ऐसा लग रहा था कि चढ़ भी नहीं पाएंगे। अभी एक घंटे में हमने पूरे दर्शन भी कर लिए सारी जगह के। मैं सोच रहा हूँ क्या कहूँगा। ये देख, तू बोल रहा था ना बंदर का है, ये देख मैसेज किया था उसने तुझे कि मैं आ रहा हूँ। दिख तो गया था। चश्मा पहन रखा कितना स्टाइल मार रहा है। नया खरीदा जींस में मेरे स्टाइल नया खरीदा इसने। लोगों को लगता है मैं स्टाइल मार रही हूं जींस में ही है। प्रीमियम डिजाइन वाला चश्मा है इसका, नया अभी खरीदा है इसने। पता है आपको वो देखो वहाँ से पड़ोस वाले भी देख रहे हैं, पिंक ट्रॉली वाले। खुद ने पसंद किया है ना तो चाह रहा है कि मैं बोलूं कि इसने पसंद किया ये, पर दिलाया नहीं, खुद लिया मैंने। दिलाया नहीं कह रही वो घर में आके सबसे पहले मुझे वो आता है गूगल पे में, आज का खर्चा इतना हुआ पैसे भेज दे। और कह रही दिलाया नहीं। नया हिसाब सीख रखा भाई। चलो हमें अच्छे से दर्शन हो गए, भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी। नवरात्रों के टाइम पे जब होता है ना तो बहुत भीड़ होती है उस टाइम पे, लेकिन आज कोई भीड़ भीड़ नहीं थी। अच्छे से दर्शन हो गए, प्रसाद ले लिया सबके लिए। कल मिठाई देने जाएंगे तो सबको प्रसाद भी बांट देंगे हम लोग। तो हम लोग पहुँच गए हैं, हम लोग निकल गए हैं रुड़की के लिए और सबसे पहले जाके करेंगे पेट पूजा। पेट से ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आने लग गई है बहुत तेज तेज, तो अब सीधे चलते हैं कुछ खाते हैं पहले। One hour later. इस एंग्री फेस को देखो जरा, आज डॉली बहुत एंग्री फेस के साथ है। आज इसको मैंने डांट दिया, सॉरी वो, सॉरी। अच्छा ठीक है, तेरे को डेजर्ट में रसगुल्ला खिला दूंगा। चल चल आइसक्रीम भी खा लियो एक। हाँ ब्लैक करंट। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इतना कह रही तो आ रहा हूँ, वरना बिल्कुल मन नहीं था मेरा। हाँ चल ना यार। देखो आज मैं इतनी बढ़िया जगह आ रखी हूँ, मेरी बीवी गुस्सा हो रखी है। आज ही मैंने हॉरोस्कोप में पढ़ा था, कह रहा था मुझे कि आज मेरे खास से मेरी लड़ाई होने वाली है। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, पर देखो खास के साथ बदतमीजी करोगे लड़ाई। क्या बदतमीजी, पिछले 4 साल में मैंने 10 गाने नहीं सुने अपनी कार में, अगले मालिक ने पूरी एल्बम छाप दी वहाँ। कैसे लगी फिर मेरी लंच डेट तुम्हें? तू बता तुझे कैसे लगी? अच्छी थी, बिरयानी खा के मज़ा आया, मतलब खाना अच्छा है। मैं दाल मखनी नहीं खाती लेकिन मैंने दाल मखनी खाई आज, तो अच्छी थी, टेस्ट गुड था, मतलब मज़ा आया। और आज धनतेरस है तो अब हम लेंगे घर के लिए कुछ बर्तन जो कि नेसेसरी होता है। कहते धनतेरस के दिन घर के लिए बर्तन या फिर गोल्ड वगैरह ऐसा कुछ खरीदना चाहिए, तो वो लेंगे। तो हमने खरीदे ये ग्लास और मुझे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने मुझे इसके साथ बॉक्स नहीं दिया, और वादे के मुताबिक मैं खा रही हूँ ब्लैक करंट, लेकिन यहाँ पे भी इसने मेरे साथ चीटिंग की है। तुम क्या खा रहे हो? ब्लैक करंट विद टूटी फ्रूटी, 2 स्कूप अलग अलग। मुझे पता ही था कि ऐसा भी होता है कि 2 स्कूप अलग अलग करवा सकते हैं, और मैंने सिर्फ ब्लैक करंट लिया है। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं घर, लेट हो गया है और यूनिक्स हमारा बेचारा घर पे अकेला है, उसका घूमने का टाइम भी हो गया अभी, तो अभी सीधा चलते हैं हम लोग घर। क्या बात है, अकेला था, अकेला था। अच्छा अच्छा बस बस भाई, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। क्या किया?
आपके घर में ऐसे बच्चे हो ना तो देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो शिफॉन का था, उसने एकदम ऐसे किया, वो हो गया। ये यहाँ से फट गया, ये यहाँ से फट गया, बस हो गया इसका काम खत्म। एक ही दिन के लिए था ये। जब कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें हो रही होती है ना तो कुछ ना कुछ ख़राब होता ही है मेरे साथ। कॉटन होता तो चल जाता है, ये शिफॉन में चिकनकारी का काम था और शिफॉन तो एकदम से फट जाता है। उसके नाखून इतने शार्प हैं, ऐसे झपट्टा मारा उसने और गया। चेंज करती हूँ फटाफट से। बाहर पटाखों का शोर हो रहा है। हम लोगों ने आज लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाई क्योंकि कल ही आए थे और आज का पूरा दिन हमारा भारी चला गया। तो कल मॉर्निंग में भी हम लोग लगाएं लाइट्स वगैरह, अंधेरा रखना अच्छा नहीं होता ना घर पे। अभी मैं फटाफट से जाके करती हूँ चेंज। मैं इसे देखते रहूँगी तो मेरा दुख और ही बढ़ता रहेगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज सुबह से ही डॉली का मुंह बना हुआ है क्योंकि आज हमारी रिंग एनिवर्सरी है और मैंने सुबह से विश नहीं कर रखा है। मैं सोचा था शाम को, मैं लंच पे भी लेके उसने ऐसा मुंह बना रखा था, उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। फिर थोड़ा पेट में खाना गया तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट अब मैं उसे गिफ्ट देने वाला हूँ तो शायद उसे अच्छा लगेगा। एंड लेट सी कि वो गुस्सा अपना शांत करके अच्छे से बात करती नहीं करती है। यूजुअली मैं गिफ्ट देता नहीं हूँ, बट इस बार मैंने लेके रखा हुआ था और मैं दे नहीं पा रहा था। मुझे पहले देना था पर मैं दे नहीं पा रहा था क्योंकि जिससे मैंने पैक करवाया था ना उस अगले मालिक ने मुझे इतनी गंदी पैकिंग करके दी थी, तो मेरा तो मन नहीं माना। तो मैं आज खुद लेके आ रहा हूँ, पेपर वगैरह लेके बैठा हूँ और खुद करता हूँ पैक और फिर देते हैं उसे, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन है। ये है मेरा कैंडी स्टाइल में गिफ्ट और इसके ऊपर हम लगाएंगे ये। देखो मेरा गिफ्ट तैयार हो गया, मेरी टॉफी शेप की पैकिंग, और अब हम उसको दे के आते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है। आ जाओ बाहर। कपड़े सही कर रहा था। लो हैप्पी रिंग एनिवर्सरी। याद आ गया? हाँ आ ही गया। फिर मैंने सोचा था आराम से। ये तुमने पैक किया है? मुझे इसको पैक करते हुए महसूस हुआ कि जिस इंसान ने पहले पैक करके दिया था मुझे उसने मेरे से अच्छी पैकिंग कर रखी है। नहीं पता होता ऐसे कौन करता है। वो मैंने यार पूरी कोशिश करी पर वो नहीं हुआ। और यूनिक्स तुम्हारे पीछे की जो पैक सूट, क्योंकि आज इसने मम्मी का सूट फाड़ दिया है। यूनिक्स तूने मम्मी को सॉरी बोला? नहीं, उसके बाद ही आया भी नहीं मेरे पास। ऐसे पता चल गया कि वो गुस्सा हो चुकी है। भाई तो चुप रखा है मेरे पीछे। मेरे कपड़ा फाड़ दिया। अब ये यहाँ बैठा था बिल्कुल बगल में। हाँ, तो मैं बता रही हूँ वो नहीं आया उसके बाद। थैंक यू सो मच इतना एफर्ट दिखाने के लिए। पहली बार तो गिफ्ट लाने के लिए और दूसरी बात की मतलब खुद से पैक किया है तुमने। लगता है मुझे अमाउंट ऑफ गिफ्ट बढ़ाने पड़ेंगे अपने दाग लगी हुई इज्जत को संभालने। महीने में एक गिफ्ट। हाँ महीने में। I'm excited. कुछ गैजेट तो नहीं है क्योंकि तुम यही दे सकते हो मुझे। स्मार्ट वॉच मुझे चाहिए थी। ये व्हाइट कलर की है? नहीं मुझे व्हाइट चाहिए थी। मैं ब्लैक का शौकीन हूँ। तुम व्हाइट के शौकीन हो मुकी? अरे व्हाइट अच्छी नहीं लगती हाथों में। इसे कहाँ से खोलूँ? लेकिन कहीं से फाड़ ले। अरे यार ये टेस्ट प्रोडक्ट है, अगर तू सच में इसको यूज करेगी तो फिर मैं तुझे अच्छी वाली दिलाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कामयाब है, पर अगर तू उसको अच्छे से यूज करेगी तो फिर तुझे मैं एप्पल की दिलाऊंगा। कोई नहीं, मैं तो बहुत टाइम से बोल रही थी मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। बाहर आओ, इसे ऑन करो। इसे ऑन कर यहाँ से। मुझे पता नहीं, मेरी रिंग एनिवर्सरी है मेरी बीबी के साथ, तो मैंने कहा तुझे भी कुछ दिला दूं। कैसा लग रहा है? सही है। ये पन्नी तो फाड़ दो ऊपर की। पन्नी नहीं फाड़ रहा, थोड़ी देर ऐसे रहने दो। नयेपन का एहसास होता रहेगा मुझे। अब मुझे पता था कुछ जम नहीं रही है। अभी इसकी ऐप डाउनलोड की थी हमने और इसको सेट कर दिया, पर अच्छे से नहीं किया। अभी इसमें बैटरी लो आई थी, बंद हो गया। देखो दोबारा मुझे तेरी धड़कन नहीं पता चलते रहेगी, उस हिसाब से लड़ाई करूंगा मैं तेरे से। बस तुम धड़कन देख के लड़ाई थोड़ा ना करते हो, तो अपना मूड के हिसाब से लड़ाई करते हो। तो मुझे मिल गया है मेरा गिफ्ट। अभी फिलहाल इसको कुछ दिन यूज करके देखूंगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, कैसे कैसे मैं इसको यूज कर रही हूँ। बस इनका यही कहना था कि तेरे ये किसी मतलब की नहीं है, तो इसे यूज ही करेगी तो मत लेना। लेकिन मैं सच बताती हूँ कि मेरे को एक वॉच लेनी थी, मेरी सारी वॉच जो है वो खराब हो गई थी, तो मुझे लगा कि इस बार मैं लूंगी तो मैं ऐसी वॉच नहीं लूंगी, मैं स्मार्ट वॉच ही लूंगी। तो मैं बहुत टाइम से मतलब ऐसे चल रहा था, डिस्कशन होता था हमारा, तो मैं ये कहती थी कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए,
बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम दिला दोगे, क्योंकि ये बिल्कुल खिलाफ था इसके कि नहीं स्मार्ट वॉच तेरे काम की नहीं है तो तू नहीं लेगी। स्मार्ट वॉच में क्या होता है कि जब लेते हैं शौक शौक में दो तीन दिन तो पहनता है आदमी, लेकिन फिर आदमी परेशान हो जाता है उस चीज से, जितना फोन हमें परेशान करता है नोटिफिकेशन ये मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारी स्मार्ट वॉच तुम्हें और परेशान कर देगी। और मैंने बहुतों को देखा है, मेरे कितने सारे दोस्त जिन्होंने खरीदी और उसका रख दी साइड, बोलता बहुत दिमाग खराब करती है। अभी थोड़े दिन यही तो रीजन है कि मैंने भी अब तक नहीं ली। हाँ थोड़े दिन यूज करती हूँ फिर मैं देखती हूँ कि कैसी है, मुझे पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगर ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि तुम मुझे ये दोगे, क्योंकि तुम इसके लिए खुद नाना कह रहे थे और फिर तुमने खुद दिला दी, तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस बार देखते हैं हम लोग दिवाली में क्या करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अकेले हैं तो घर में मन भी नहीं लग रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन दिवाली है ऐसे घर को सजाएंगे अच्छे से और थोड़ा सा सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बस इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड, आप लोगों से मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। बाय गाइस, बाय बाय।